आज मैं दिल्ली आया हूँ सिस्टर को छोड़ने के लिए, तो और अभी होटल में रुका हूँ। ये होटल वीनस नाम है शायद इसका। तो ये खाना आया है, सबसे पहले तो आई है कॉफ़ी और सैलेड, पानी, रोटी, इसमें मिक्स वेज है और इसमें राइस है। खोल के भी दिखाते हैं। ये है मिक्स वेज, अच्छी लग रही है यार, टेस्टी लग रही है देखने में। और ये है गार्लिक फ्राइड राइस, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। ये हमारा डिनर है आज का। गुड मॉर्निंग, अभी उठा हूँ मैं, सो नहीं पाया बिल्कुल रात भर इधर होटल में ना, क्योंकि रीज़न था ये रीज़न था जो सो नहीं पाया, क्योंकि बाहर चल रही है रोड और मेन रोड है, इतना रश सारी रात, मतलब आप ये लगा लो कि आवाज़ें और एक सेकंड भी सोना मुश्किल हो गया। और ये देखो दिल्ली का बुरा हाल है, और जो दूर दिखाई दे रहे हैं ना वो बारिश की वजह से नहीं है या कुछ और, वो क्या है, वो स्मॉग है, इतना बुरा हाल है कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश वाला मौसम होता ना, जस्ट लाइक दैट। तो ये हालत है यहाँ की, वो देखो। फिर ये कहते हैं दिल्ली वाले की पराली चल रही है, ये पंजाब से आ रहे हैं कि ये ना दिवाली पे क्रैकर्स चलते हैं उसकी वजह से, तो ये वो है, आप खुद देखो, ये इस वजह से नहीं है, ये इस वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, एक सेकंड भी नहीं रुका, कमाल है यार। मतलब ट्रैफिक तो बाकी जगहों पे भी है, अपने चंडीगढ़ एरिया वगैरह में भी है, बट दिल्ली अभी मैंने सोचा कि आज क्या करूँगा, सब अभी तो 7 बजे हैं दिन के, अभी सोचा है कि सबसे पहले नहा धो के ब्रेकफास्ट करके फिर मैं जाता हूँ, अगर 10 o'clock निकल जाऊँगा इस वसंत कुंज के लिए, वहाँ पे एमिनस मॉल है, वहाँ जाके आता हूँ, और बीच में अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस हुई तो वो भी, और फिर उसके बाद अपने घर। ये प्लान है मेरा फ़िलहाल अभी का, देखते हैं। काफ़ी टाइम बाद होटल में रुकूँ तो ये सब चीज़ें देखने को मिली, और साथ देखने को मिला ये जो टूथपेस्ट किट होती है, और स्पेशली ये प्रोबिस का टूथपेस्ट, ये तो मेरे ख्याल बचपन के बाद मैंने देखा ही अभी। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था और यहाँ की न्यूज़ आ रही थी दिल्ली की, तो इसमें बता रहे थे कि भाई किस तरह से दिल्ली में इतना स्मॉग है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो उसकी न्यूज़ आ रही थी, तो उसमें बता रहे हैं कि वही हर साल की तरह कि जी पराली जल रही है उसकी वजह से यहाँ पे स्मॉग और मतलब ज़्यादा है धुआं, उस तरह से यूपी के कि यूपी से धुएँ छोड़ने वाली गाड़ियाँ भेज रहे हैं इसकी वजह से, तो और साथ में ये भी बता रहे हैं कि भाई पराली जो है मतलब पंजाब में ही बोला गया है कि पराली के जलाने के मामले लास्ट ईयर 18,000 के करीब थे और इस साल तो सिर्फ 9,500 के करीब हैं, तो उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा, और कह रहे कि इस बार यही नहीं गाज़ियाबाद और आसपास की जगह पे भी मतलब हद से ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा 300 से भी ऊपर एक क्यू इंडेक्स जो होता है वो चला गया, तो इतनी ज़्यादा है। अभी मैं जाऊँगा बाहर तो आपको वो भी दिखाऊँगा कि क्या कितना बुरा हाल है। और दिल्ली का आज का औसत है कि वाई 413 है, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप देख सकते हैं आज भी जो स्थिति है वो गंभीर श्रेणी में है, और जो आज भी जो हवा है वो जहरीली है, लोगों को आज भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अच्छा, कल रात को ना नियर अबाउट 11:30 बजे क्या हुआ, बहुत ही तेज अर्थक्वेक आया जिसका एपिसेंटर जो था वो नेपाल था, 6.4 का था, और यहाँ दिल्ली में भी इतने ज़बरदस्त उसके झटके थे, मतलब मैं बेड पे लेटा हुआ था और लिटरली ज़ोर ज़ोर से शेक होने लगा बेड और ऊपर नीचे ऐसे, मतलब मुझे लगा कि शायद मैंने खाना खाया है, उसमें मिर्ची नमक थोड़ा ज़्यादा ही था होटल में जो था, तो मुझे लगा कहीं उसकी वजह से बीपी तो नहीं आया हुआ, बट वो बीपी नहीं आई था, वो अर्थक्वेक की वजह से था, बहुत ही ज़बरदस्त जिसे कहते हैं, मतलब काफ़ी साल पहले ऐसे अक्टूबर के मंथ में हुआ था, 8th अक्टूबर मुझे याद है आज तक,
तो उसके जैसे ही लगा मुझे। तो बाद में सुबह न्यूज़ देखी, रात को भी खैर देखी थी, तो काफ़ी लोग मर गए थे वहाँ पे नेपाल में, एंड काफ़ी नुकसान हुआ। इंडिया में भी मतलब शॉक्स तो लगे थे, बट ऐसे नुकसान का तो मैंने अभी तक नहीं देखा, टू बी वेरी फ्रेंक। उसके बाद अभी तक मैंने न्यूज़ भी नहीं देखी है, एंड लाइक ये वो था मतलब जो भी था। सुबह प्लान तो किया था कि एम्बियंस मॉल जाऊंगा, बट हुआ ये कि वहाँ तक नहीं गया, तो उसकी जगह मैं DLF एवेन्यू जो है वहाँ गया साकेत में, बिकॉज मैं वो भी बता देता हूँ रीज़न क्या है। वो रीज़न ये हुआ कि प्लान मैंने किया था कि मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है वहाँ जाऊँगा, बट जब मैंने कैब में लोकेशन लगाई तो लोकेशन ने तो वहाँ पहुँचा दिया, बट कैब वाले को वो जगह ही नहीं मिली। वो कहता मुझे मालूम ही नहीं इसके बारे में। तो इस रीज़न से फिर क्या है कि पास में कुतुब मीनार था, तो मैं वहीं घूमने चला गया। फिर कुतुब मीनार से मैंने ऑटो रिक्शा लिया, और ऑटो रिक्शा से फिर उसने मुझे बोला, कहता आप DLF चले जो साथ में, कहता 2-3 मॉल्स हैं तो आप वहाँ जा सकते हो। चला तो मैं गया, बट मुझे इतना मज़ा नहीं आया। एक्चुअली कैमरा लेना था DJI का, तो उसके लिए मैंने एम्बियंस जाना था, तो मुझे पता लगा था अभी एम्बियंस मॉल जो है काफ़ी बड़ा है, बट वही ऑटो वाले के रिकमेंडेशन पे मैं वहाँ गया। रास्ते में मेरे को वो डेली हार्ट नाम की एक जगह लेके गया जहाँ हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा का सामान मिलता है, तो वो ठीक है। वहाँ से मैंने एक क्विल्ट टाइप लिया है जो अप्रॉक्सीमेटली 2,050 रुपये का आया, तो काफ़ी लाइट वेट है, गर्मी सर्दी दोनों में काम आता, तो वो लेके आया मैं घर के लिए। एंड बाकी अभी आप शॉर्ट्स देखो कुतुब मीनार और वहाँ के आसपास के, और इसके बाद जो अगला व्लॉग वीडियो है उसमें मैं फुल उसका वॉक थ्रू दिखाऊंगा कि मैं उसमें कहाँ कहाँ अंदर गया सारा कुछ, और वो चुप रहने वाला व्लॉग होगा जो मेरे को ज़्यादा पसंद है। आज मैं कुतुब मीनार देखने के लिए आया हूँ, जा तो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क था, बट वो उसका रास्ता नहीं मिला, ना कैब वाले को पता था, तो मैं यही आ गया। ये उस टाइम के पत्थर पड़े हैं, मगर ये किस्सा माता से आई थिंक या तो ये बिल्डिंग्स के टूटे हुए पार्ट्स हैं या फिर ये बैठने के काम आते होंगे, टूटे हुए पार्ट्स ही लग रहे हैं बिल्डिंग के मुझे तो। डिजाइनिंग देखो उस टाइम की, ऐसे ही पत्थर पड़े हैं। ये हम ग्रेवयार्ड में हैं इस वक्त, जो कुतुब मीनार के पास है। ये ग्रेव्स हैं किसकी है पता नहीं। अब हम ये वाली सामने कोई बिल्डिंग है उसमें जाके आते हैं।
ये कुछ पिरामिड टाइप का बना हुआ है, पर यहाँ से लिखा नहीं है। आगे जाके देखते हैं कि क्या है ये। इसमें 100 ग्राम का रजाई है, काफी फेमस ब्लैंकेट्स है, आपको बहुत पसंद आएगा। परचेसेस करना नहीं करना वो आप लोगों का मर्जी है। आप लोगों को हम दिखाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें 1/2 लीटर फ्यूल कूपन फ्री मिलता है, तो इसलिए हम अपना वेटिंग फ्री रखते हैं। इट्स माय वेटिंग ओनली। ओके। एंड सेकंड, आपको जब हम एम्बियंस मॉल ड्रॉप करेंगे आपसे वही चार्ज लेंगे जो मैंने आपसे तय किया 150। तो उसमें सर आई रिक्वेस्ट यू, फर्स्ट आपको कुतुब मीनार का शॉपिंग मॉल दिखाएंगे दिल्ली हाट, एंड सेकंड पे आपको एम्बियंस मॉल छोड़ेंगे, आपका टोटल 150 लगेगा। ओके। योर लाइफ योर परचेसेस, यू आर नो लाइफ नो कंपल्सरी, बट 20 मिनट लुकिंग इज माय बेनिफिट। ओके। आप 20 मिनट देखते हैं तो इज माय बेनिफिट इज फ्यूल कूपन ओनली। ठीक है। थैंक यू। आज मैं काफी टाइम से के बाद में ऑटो वालों का राइड कर रहा हूँ, कार्स का ही किया आज तक, ऑटो काफी देर हो गई, मेरे कल कॉलेज के बाद में आज ही कर रहा हूँ। ये DLF मॉल है दिल्ली का, यहाँ पे आया हूँ मैं। सारा है तो ये सारा नॉर्थ कंट्री मॉल भी है पंजाब जैसे, बट फिर भी भरा हुआ है। कहने का मतलब ये वो खाली खाली है, यहाँ पे शॉप्स तो हैं एटलीस्ट। अभी मैं क्रोमा ढूंढ रहा हूँ, क्रोमा में जाना है मेरे को, कैमरा लेना है DJI का Action 4। यहाँ पे मेरी फेवरेट कंपनी एप्पल का भी स्टोर है, मुझे एप्पल का स्टोर देख के बड़ी खुशी होती है। ये लाल किला की बैक साइड की वॉल, गया नहीं यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो जाने की कोशिश करूँगा, इस बार टाइम नहीं ज़्यादा मिला। तो आप इसकी वॉल देख के खुश हो